कक्षा 7 के बच्चे हैं विज्ञान के, और विज्ञान विषय का हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं। तो प्रयोग है, इसके लिए जो है सामग्री चाहिए, नींबू का रस, इसको हमने निचोड़ लिया है, एक सलाई है, एक मोमबत्ती है, लिखने के लिए है कलम, और एक पेज है सादा। तो इस प्रयोग को हम लोग अब करेंगे। चलिए, प्याज का रस लाए हैं, प्याज के रस से भी होता है, और प्याज के रस से हम लिखेंगे इस पर, बार बार डुबा लीजिए इससे लिखाए। प्याज के रस से भी लिख करके देखते हैं। बस केवल राकेश ही लिखिए, बस हो गया, डुबा लीजिए उसको। उस पर रस लगना चाहिए कागज पर। हाँ, फिर डुबा लीजिए, डुबा लीजिए, पूरा रस उस पर लगना चाहिए। चलिए, अब इसको सुखा लीजिए धूप में, धूप में सुखा के आइए। चलिए, माचिस जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, और फिर उसके लौ के पास जो है कागज को ले जाइए। देखिए, कागज इस समय एकदम सादा दिख रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ इस पर लिखा हुआ है, सूख गया है। अब इसके लौ के पास कागज को ले जाइए, दूर से ही, नहीं तो कागज जल जाएगा। और ऊपर बस देखिए, कुछ लिखा हुआ सामने दिख रहा है, और जितना भी चीज लिखा गया था लौ के पास ले जाने के बाद पूरा उभर के आ गया है। देखिए, ये देखिए, ये मेरा नाम लिखे थे लोग, राकेश, और ये उभर के पूरा आ गया सामने। तो है ना जादू ये, लेकिन ये विज्ञान का एक प्रयोग है। इसमें आप देखे हैं कि नींबू जो लिखा गया था, या प्याज के रस से जो लिखा गया था, वो जो है सूखने के बाद कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन देखिए अब जो है लौ के पास ले गए तो ये पूरा लिखा हुआ दिख रहा है, राकेश। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नींबू का रस या प्याज के रस से जो उष्मा पा करके वो उभर के आ गया वो नाम। यस सर। ठीक है, तो ताली बजाइए इस प्रयोग के लिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके।